15 नवंबर को वहीं जनजातीय गौरव दिवस है और मध्य प्रदेश में जनजातीय इसलिए अहम है क्योंकि इनका प्रभाव यहां की 70 से 80 सीटों पर है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से इस वर्ग को लुभाने की पुरजोर कोशिश भी हुई। चुनावी दंगल में आदिवासियों को लुभाने की होड़, मध्य प्रदेश के दंगल में आदिवासी किसकी ओर? जी हाँ, मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में इस बार आदिवासी फैक्टर काफी अहम रहने वाला है। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आदिवासियों को लुभाने में किसी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। हालांकि वोटों और सीटों का गणित भी यही बताता है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए आदिवासी वोटरों को नजरअंदाज करना आसान नहीं। दरअसल एमपी में 230 में से 47 सीटें एसटी यानी आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व है। 2018 में इन 47 सीटों में से कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें मिली थी। बाद में उपचुनाव के बाद कांग्रेस के पास 28 और बीजेपी के पास 18 सीटें हो गई। एमपी में 29 सामान्य सीटों सहित 76 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। एमपी में 29 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इन 6 रिजर्व लोकसभा सीटों में से सभी इस वक्त बीजेपी के पास है। एमपी में करीब 22% से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। तो मध्य प्रदेश की 230 में से कम 76 सीटों पर आदिवासी वोटरों का प्रभाव है। आरक्षित 47 सीटों को छोड़कर 29 ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासियों की संख्या 25% से ज्यादा है। अगर क्षेत्रवार देखें तो कई ऐसी अनारक्षित सीटें हैं जहां आदिवासी वोटर किंग मेकर है। मसलन मालवा निमाड़ की 6 सीटें, विंध्य की 5 सीटें, महाकौशल की 10 सीटें, मध्य नर्मदापुरम की 2 सीटें, बुंदेलखंड की 4 सीटें और ग्वालियर चंबल की 2 ऐसी अनारक्षित सीटें हैं जहां आदिवासी वोटर भी अपना प्रभाव रखते हैं। वहीं अंचलवार अगर आदिवासी आरक्षित सीटों की बात करें तो मालवा निमाड़ 22 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से इस वक्त बीजेपी के पास 17 और कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। वहीं अंचलवार अगर आदिवासी आरक्षित सीटों की बात करें तो मालवा निमाड़ में 22, महाकौशल नर्मदापुरम में 16 और विंध्य में 9 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। तो मध्य प्रदेश के हर अंचल में आदिवासी वोटरों का अपना प्रभाव है। इनमें भी सबसे ज्यादा गोंड जनजातियों का प्रभाव मध्य प्रदेश में माना जाता है। यही वजह है कि इस बार के टिकट वितरण में आदिवासी वर्ग से सबसे ज्यादा टिकट गोंड समाज को ही मिले हैं। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने गोंड समाज से 22 तो बीजेपी ने भी 22 टिकट दिए हैं, जबकि भील समाज से कांग्रेस ने 9 और बीजेपी ने 8 टिकट दिए हैं। इसी तरह भिलाला को कांग्रेस ने 9 और बीजेपी ने 7 सीटें दी हैं। आदिवासियों की बारेला जाति को कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 4 सीटें दी हैं, जबकि प्रधान को कांग्रेस ने 3, बीजेपी ने 2, कोरकू को कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 3, जबकि कोल जनजाति से कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार और बीजेपी ने भी 1 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मध्य प्रदेश में कुल आदिवासियों में 35% से ज्यादा आबादी अकेले गोंड जनजातियों की है। यही वजह है कि आदिवासी वोटरों को लुभाते समय सियासी दल गोंड जनजाति पर फोकस करना नहीं भूलते। इसी कड़ी में 15 नवंबर 2021 को भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया था। मतलब 2 साल पहले ही पीएम मोदी ने भोपाल से आदिवासी राजनीति का एजेंडा सेट कर लिया था। बहरहाल अब एक नजर एमपी में कांग्रेस बीजेपी के आदिवासी चेहरों पर भी डाल लेते हैं। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। बीजेपी में गोंड समाज से फग्गन सिंह कुलस्ते, विजय शाह, ओम प्रकाश धुर्वे, मीना सिंह, संपतिया उइके और बिसाहूलाल सिंह आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आदिवासी चेहरों की बात करें तो भील समाज से कांतिलाल भूरिया और उमंग सिंघार, भिलाला समाज से बाला बच्चन और हीरालाल अलावा के नाम प्रमुख हैं। देखिए, इस बार का जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में आदिवासी वर्ग को रिझाने के लिए दोनों दल एक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो वो लगातार आदिवासियों के अपमान की, उनके ऊपर जो राज्य में घटनाएं हो रही हैं उसको मुद्दा बना रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को अभी तक दिया है उसकी बात कर रहे हैं। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की। और ये दोनों राजनीतिक दल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी वर्गों की मध्य प्रदेश में 47 यानी कि 47 सीटें आरक्षित हैं।
2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग ने कांग्रेस पक्ष के मतदान करते हुए उनको 30 सीट पर विजय दिलाई थी, बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। एमपी में कांटे के मुकाबले के आसार के बीच आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस बीजेपी के लिए बेहद अहम है। देखिये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी वर्ग को सदैव सम्मान देने का काम किया, चाहे उनके अतीत की चिंता करना हो, उसको पुनर्स्थापित करना हो, जिस प्रकार से उनके भविष्य के लिए एक नई नींव का निर्माण करना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी वर्ग को कहीं ना कहीं मुख्य धारा में स्थान देने का काम किया है। आदिवासी वर्ग के लिए पेशा कानून ला करके उनको जल जंगल और जमीन का अधिकार देने की बात हो, या फिर तेंदूपत्ता के जो श्रमिक हैं उनके लिए वर्तमान में हमारे संकल्प पत्र में 4,000 रुपये प्रति बोरा की व्यवस्था करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी वर्ग के प्रत्याशी हैं जो इन चुनावों में हमारी विजय श्री का मार्ग प्रशस्त करेंगे और प्रचंड जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटों के साथ मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रही है। आदिवासियों के लिए आज गौरव दिवस है और हम लोगों के लिए आदिवासी गौरव का विषय है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, हमने इस वर्ग के लिए भाषणों में नहीं, शब्दों में नहीं, वास्तविक रूप देकर इस समाज की सेवा की है और आगे भी करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी आ रही है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी पार्टी में कोई भी नकली भगवान बिरसा मुंडा नहीं है, हम उनके अनुयायी हैं और दूसरे लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके नाम पर। तो वही आदिवासी उन सो कॉल्ड भगवानों को अपना रास्ता दिखाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि एमपी में आदिवासी किंग मेकर हैं और 1990 से लेकर 2018 तक के विधानसभा चुनाव में ये साबित भी होता आया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 की टक्कर में आदिवासी अपने समर्थन से किसका मंगल करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी सीटों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि आदिवासी वर्ग जिसके साथ हो सत्ता उसी की बनेगी। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से करीब 76 सीटों पर प्रत्याशियों का भविष्य आदिवासी वर्ग तय करता है, जिसे लेकर प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने अपनी रणनीति के तहत काम किया। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को आदिवासी वर्ग किसका साथ देता है और किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम गुर्वे, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।